सिंगरौली जिले के भाजपा कार्यालय बैठक से 11 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता करेंगे हंकार। सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल द्वारा बताया गया कि सरकार को जनता के हित की चिंता नहीं है, केवल भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बना रही है। बीजेपी 11 सितंबर को कांग्रेस सरकार को नींद से जगाने के लिए प्रदेश व्यापी घंटा नाद आंदोलन करने जा रही है। आंदोलन में कार्यकर्ता घंटा और मजीरा लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। यह उक्त कार्यक्रम प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किया जाएगा, जिस कार्यक्रम में जिला संगरौली की प्रभारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव श्रीमती सुखप्रीत कौर जी हैं तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र गोयल जी के मार्गदर्शन में होगा। मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा जो कुंभकर्णी नींद में सो करके जनता के हितों का ध्यान नहीं रख रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन जो कि 11 सितंबर को घंटनाद जिसको आंदोलन के रूप में कहा गया है, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता घंटा शंख मजीरा बजाते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और उसमें जो इस वर्तमान सरकार के द्वारा जो तरह तरह की हमारी भारतीय जनता पार्टी के समय में जो योजनाएं संचालित की गई थी उन योजनाओं को बंद किया जाना, जैसे कि बिजली जो है 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही थी, लेकिन आज जो है यहाँ की स्थानीय जनता बिजली कटौती से परेशान है। इसके अलावा जैसे जगह जगह जो है अभी तक विद्युतीकरण जहां पर हो जाने थे लेकिन अभी तक विद्युतीकरण के तार नहीं जोड़े गए, पोल गिरा करके पड़े हुए हैं। इसी तरह से जैसे बेरोजगारों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह कहा था कि 70% लोगों को हम लोग बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। किसान कर्जा माफी की बात की गई थी, वह केवल पेपर में है, वो पेपर में मतलब कि कहीं पर भी क्रियान्वित होते हुए नहीं दिख रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना को बढ़ा करके पिछले सरकार से 51,000 रुपए की राशि घोषित की गई लेकिन किसी भी के भी खाते में वो पैसे आज तक जमा नहीं हो रहे हैं। हम सब लोग इसको जो अभी वर्तमान सरकार जो विभिन्न योजनाओं को बहुत ठंडे बिस्तर में डाल रखी है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, उसको जगाने का प्रयास हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग मिलकर के करने जा रहे हैं।